मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं जो नेट के टॉपिक आपके सामने लेके आ रही हूँ, ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। ये विशेषताएं प्रत्येक वीडियो में मैंने एक एक विशेषताओं का वर्णन किया है, इसीलिए आप जो भी विशेषताओं का वर्णन किया गया है उन्हें अच्छे से देखें। आज की जो हमारी विशेषता है, ये हमारा पेपर प्रथम है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, जो सभी विषयों के स्टूडेंट्स के लिए, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी संकाय के हो, उन सभी के लिए कंपलसरी होता है। आज जो हम शिक्षण की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये हमारे शिक्षण अभिव्यक्ति में टॉपिक है बच्चों, शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताओं में मैं आज आपको दो विशेषताओं का वर्णन करूंगी। लास्ट वीडियो में प्रत्येक में मैं करती आई हूँ अलग अलग विशेषताओं का वर्णन। आज जो हमारी विशेषताएं हैं वो है गतिशील वातावरण व राजनीतिक वातावरण। हम गतिशील वातावरण के लिए कहते हैं कि शिक्षण, जो कि हम ये कहते हैं कि शिक्षण हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो हमेशा आगे तक चलती रहती है। लेकिन निरंतर अगर हम किसी चीज को चलाते हैं तो उसके लिए हमें उसका जो मूल तत्व होता है वो होता है हमारा संचार करना। हम इस चीज को मानते हैं कि किस तरीके से हम उसे संचारित करते हैं, संचार प्रसार उसका करते हैं, वो हमारी उस चीज की एक महत्वता होती है। कि जितनी हम कहते हैं ना कि जितनी अच्छी हमारी उस वस्तु का लाभ होगा या जितनी अच्छी वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी होगी, उसे संचार हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो यही चीज है कि क्योंकि शिक्षा हमारे लिए कितनी उपयोगी है और शिक्षा में हम जो शिक्षण करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, वो शिक्षण हमारे लिए कितना उपयोगी है, क्या वो निरंतर चलने वाला है, यानी कि उसको निरंतर चलाने में उस क्या महत्वपूर्ण होता है, संचार करना। संचार उसके लिए मेन तत्व होता है कि किस तरीके से हम उसे प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि ये एक गतिशील वातावरण, यानी कि गति करना, चलना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, ये हमारे स्थान समय इनके अनुसार परिवर्तित होते हैं। क्योंकि हमने पहले भी यही चीज बताई है कि शिक्षा आवश्यकता समय के अनुसार बदलती रहती है, तो वही चीज बताई है कि शिक्षण को अगर गतिशील बनाना है तो उसको गतिशील बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, समय और क्षेत्र के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता है हम उसे संचार करते रहते हैं, इसीलिए इसे संचार करना इसका मूल तत्व होता है। दूसरी चीज, इसकी उपयोगिता उस क्षेत्र की आवश्यकता और समय पर निर्धारित होती है। क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस समय हमें जिस तत्व की आवश्यकता होती है हम उसे ही काम में लेते हैं। तो हमें अगर शिक्षण को प्रगतिशील बनाना है, गतिशील बनाना है उसे, तो हमें समय और क्षेत्र के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। एक चीज ये कही जाती है बच्चों इसके अंदर, शिक्षण को जो प्रभावित करने के जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये सभी त्रिभाषी हम ले सकते हैं, हमारे सांस्कृतिक रूप, यानी कि ये सभी हमारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। और यही कारक हमारे समय और क्षेत्र के अनुसार इनके अंदर परिवर्तन होता रहता है, और इसी परिवर्तन के साथ साथ हम शिक्षण में भी परिवर्तन करते हैं, यानी कि शिक्षण को भी हम गतिशील बनाने की कोशिश करते हैं। हम शिक्षण को जब ही गतिशील बना सकते हैं जबकि हमारे उन सभी तत्वों का उसमें समावेश हो। इसके लिए हम यही कहेंगे कि अगर हमें इसे संचार करना है, क्योंकि हमें जिस चीज को संचारित करना है उसके लिए इसके ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि जो गतिशील प्रदान करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, हम इसके लिए हम एक चर को काम में लेते हैं। अब बच्चों आप ये सोचेंगे कि चर आखिरकार होते क्या है, तो चर के लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि जो किसी घटना को, जिस किसी
घटना की है। तो आप मानेंगे जब हम किसी घटना को देखते हैं या हम कोई कार्य करते हैं तो क्या हम उसके लिए हमारी कल्पना नहीं बनाते, उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि इस घटना को हमें जो हम कहते हैं इस घटना को हमें किसी चीज का नाम देना है या क्यों हुआ है, किस लिए और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमेशा उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसकी पूरी परिकल्पना करेंगे, उसके चारों तरफ के आवरण का हम कल्पना करते हैं। तो ये चल हमारी परिकल्पना पर आधारित होते हैं कि किस तरीके से उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित है। अब हम देखते हैं कि चल जो होते हैं उन्हें हम तीन भागों में, जो हमारी शिक्षण के चल है उन्हें तीन भागों में इसका विभाजन करते हैं। सबसे पहला होता है स्वतंत्र चल, दूसरा होता है आश्रित चल और थर्ड होता है हमारा हस्तक्षेप चल। अब बच्चों यहाँ बात आती है स्वतंत्र चल की। ये स्वतंत्र चल आखिरकार क्या होते हैं? तो आप मानते हैं कि स्वतंत्र चल होते हैं हमारे शिक्षक, स्वतंत्र चल है हमारे शिक्षक, यानी स्वतंत्र चर की श्रेणी किसको दी जाती है? शिक्षक को, यानी कि शिक्षक जो होते हैं हमारे जो छात्र होते हैं वो किस पर आश्रित होते हैं? शिक्षक पर, यानी कि शिक्षक सबसे स्वतंत्र होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अब उनका कार्य क्या होता है? शिक्षण करवाना। तो इसमें बताया जाता है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है जिसको हम गतिशील बनाते हैं उसके अंदर हमारे शिक्षक की भूमिका एक स्वतंत्र चर के रूप में होती है, क्योंकि उनके दिए हुए निर्देशों का पालन कौन करता है? स्टूडेंट करते हैं। इसीलिए स्वतंत्र चर की भूमिका में हमारे शिक्षक होते हैं। ये कहते हैं कि यथासंभव जो हम इनको अधिगम करवाते हैं, पूर्व अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं उनके लिए, ये विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां निर्धारित करते हैं वो कौन करते हैं? शिक्षक। और फिर यही अधिगम प्रक्रिया पर कौन कार्य करते हैं? छात्र। अब दूसरा आता है हमारा आश्रित चर। तो आश्रित चर के लिए हम कह सकते हैं स्वतंत्र चर है हमारे शिक्षक और आश्रित चर है हमारे शिक्षार्थी, या हम कहें तो हमारे छात्र, यानी कि शिक्षार्थी या छात्र, ये हमारे आश्रित चर है। क्योंकि अभी बताया कि शिक्षक शिक्षार्थी जो होते हैं वो शिक्षक पर आश्रित होते हैं, उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो शिक्षण प्रक्रिया में हमारे शिक्षक एक अनुदेशक के रूप में उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। कहते हैं कि शिक्षण जो प्रक्रिया है किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है, इसके लिए शिक्षक हमेशा किस पर आश्रित होते हैं? शिक्षार्थी किस पर? शिक्षक पर आश्रित होते हैं। उन्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको कौन निर्धारित करता है? शिक्षक निर्धारित करते हैं। अगर हम ये कहें कि एक तरीके से उन्हें पूरी तरह से जो मार्गदर्शन के रूप में जो निर्देश मिलते हैं वो किसके द्वारा मिलते हैं? हमारे शिक्षार्थी, जो शिक्षक के द्वारा मिलते हैं शिक्षार्थी को। छात्र हमेशा आश्रित चर माना जाता है, क्यों? ये जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है इसके अंदर शिक्षार्थी आश्रित चर माना जाता है। इसके लिए जो सभी क्रियाएं होती है, नियोजन व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण करना, इनके अनुसार जो शिक्षक निर्धारित करते हैं और वो ही कार्य इनको करने पड़ते हैं कि किस तरह से नियोजन करना है, शिक्षण को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, किस तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण करना है, ये सब कुछ हमारा कौन निर्धारित करते हैं? शिक्षक। और जब शिक्षक इसको निर्धारित करते हैं तो शिक्षार्थी को उनके बताए मार्गदर्शन पर कार्य करना होता है। तो बच्चों प्रथम स्वतंत्र चर के रूप में होते हैं हमारे शिक्षक और आश्रित चर होते हैं हमारे शिक्षार्थी, या हम कहें तो छात्र या विद्यार्थी। हम यह कह सकते हैं छात्र की जगह विद्यार्थी, ये हमारे आश्रित चर आते हैं। अब आता है बच्चों इसके अंदर हस्तक्षेप चर। प्रथम चर स्वतंत्र जो आजाद, यानी कि शिक्षक, आश्रित जो इस पर आश्रित है, निर्भर है। अब आता है हस्तक्षेप, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी कई बार हमारे शिक्षण प्रक्रिया में हमारी बाधा बन जाती हैं, जो हस्तक्षेप करते हैं, रुकावट प्रदान करते हैं। अब आप ये मानेंगे कि हमें ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो हमें रुकावट का प्रदान करते हैं, हमारे हस्तक्षेप करते हैं?
शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां, हम यहाँ कहें शिक्षण विधियां, जो भी विधि हम काम में लेते हैं, युक्तियां जो हम उसके लिए सोचते हैं, युक्तियां हम कहें उपकरण, उपकरण संसाधन, उपकरण या संसाधन, संसाधन और सहायक सामग्री। तो ये सब जो है ये हमारे शिक्षण में हमारे कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करती है, कहीं ना कहीं हमारे टोका टोकी ये करते हैं। तो क्यों करते हैं बच्चों ये चीज? क्योंकि हमने देखा है कई बार हमारा जो मूल्यांकन, क्योंकि ये जो हम शिक्षण, जो शिक्षण की प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये हमारा मूल्यांकन जब हम करते हैं इनमें, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में हमारी गलतियां पाई जाती हैं। वो गलतियां हमारे लिए, जो हम शिक्षण के लिए जो उद्देश्य लेकर चलते हैं, हमारे उन उद्देश्यों की पूर्तियां नहीं कर पाते। कहीं हमारी कोई जो हम शिक्षण करवा रहे हैं उससे संबंधित हमारी कहीं विधि गलत हो सकती है, हम जो युक्तियां ले रहे हैं उसके लिए उसके जो सोच विचार हो, युक्तियां हमारी गलत हो सकती है, हमने सही उपकरणों का वहां प्रयोग नहीं किया, या हम कहें कि हमने सहायक सामग्री सही काम में नहीं ली, यानी कि हमारे मेथड, हमारी जो इसके लिए हम कहें कि हमारे उपकरण, हमारी टेक्निक, हमारी जो मेथड हम यूज में लेते हैं, ये सब हमारे हस्तक्षेप चर के सामने, हस्तक्षेप चर के नाम से होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने का यही एक कारण होता है। और इन्हीं कारणों से कई बार ऐसा होता है कि हम जो रिजल्ट हमारा लाना चाहते हैं वो रिजल्ट हमारा सामने नहीं आ पाता। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए हम कहें कि जो हम सूचनाएं शिक्षण, हम यहाँ पर हम इसकी सूचनाओं के लिए भी कह सकते हैं, जो रचना करते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, शिक्षण भी रचना जो हम तैयार करते हैं।
कोई चीज करते हैं, बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। अब सेकंड आता है हमारा उपचारात्मक। अब उपचारात्मक क्या दृष्टिकोण के सामने होते हैं, तो ये जो हमारे निदानात्मक दृष्टिकोण में जब हम छात्र की जो कमियां शिक्षक के सामने आती है, हमारे सामने जो शिक्षक के सामने कमियां आती है, उन कमियों का हम यहाँ पर उपचार करते हैं। यहाँ बच्चों निदानात्मक में एक बार फिर मैं वही एग्जांपल दोहराऊंगी कि यहाँ चिकित्सक जो हमारे डॉक्टर हैं वो अपनी बीमारी को जांचेंगे कि आखिरकार छात्र को बीमारी क्या है, और बीमारी के बाद में हम देखेंगे उपचार में कि उस बीमारी का वो इलाज ढूंढेंगे, उपचार करेंगे कि शिक्षक जो छात्र की कौन सी समस्याएं हैं उसे कहाँ इसमें क्या पढ़ाना है, कौन से उसमें जो हम कहते हैं ना कि सारे हमारे उपचार हमारी जो कमियां होती है उन कमियों का हमें उपचार कराया जाता है हमारे उपचारात्मक में। इन कमियों को हम किस तरीके से दूर करना है इसके लिए शिक्षक हमारी विभिन्न युक्तियां काम में लेते हैं, विभिन्न विधियां काम में लेते हैं, विभिन्न उपकरण हमारे काम में लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये हमारा उपचार होता है। फिर आता है मूल्यांकन। इन सभी चीजों का जो निष्कर्ष हमारे सामने निकलेगा वो हमारा मूल्यांकन होगा कि हमने क्या क्या कार्य किया है, उसका क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है, ये हमारे मूल्यांकन में आते हैं। तो कहा जाता है कि चर हमारे इन आधार पर कार्य करते हैं, इसीलिए चर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चर के बिना हम कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमें हमारे समस्या का पता चलेगा, ना हम समस्या का उपचार करेंगे और ना समस्या का उपचार करने के बाद में हम उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं। इसीलिए ये हमारे किसके कार्य है, हमारे जो चर है उनके कार्य है। अब बच्चों हमारी जो सेकंड विशेषता है राजनीतिक वातावरण, वो भी मैं बता रही हूँ कि ये जिस तरह से गतिशील वातावरण पर गतिशील जो वातावरण है हमारा शिक्षण का, उसी की तरह हमारा राजनीतिक वातावरण भी हमारे शिक्षण पर आधारित होता है। आपने देखा है कि जिस तरीके से गतिशील वातावरण में तीन चर थे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, उसी तरीके से हमारे राजनीतिक वातावरण में भी हमारे जो शासन है हमारा कहते हैं कि शिक्षण का राजनीतिक वातावरण कौन कौन सा है, एकतंत्र शासन, लोकतंत्र शासन के रूप में और हस्तक्षेप रहित शासन के रूप में। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो राजनीतिक शासन है, राजनीतिक शासन में हमने देखा कि हमारे जो हम पढ़ रहे थे एकतंत्र शासन। अब इसके लिए जब हम पढ़ेंगे कि हमारे एकतंत्र शासन क्या है, हमारे एकतंत्र शासन में क्या है, तो एकतंत्र शासन के लिए हम कह सकते हैं कि इस व्यवसाय में शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके लिए वही चीज आता है कि जिस तरीके से हमारे राजा हमारे शासक होते हैं उसी तरह से हमारा यहाँ का शासक कौन होते हैं, हमारे शिक्षक। यहाँ पर जिस तरह से स्वतंत्र चर में शिक्षक की भूमिका थी, यहाँ एकतंत्र शासन में शिक्षक प्रधान होता है, शिक्षक प्रधान की मानी जाती है और शिक्षक की बात को शिक्षार्थी को मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। जिस तरह से जब हमारा शासन था पहले एकतंत्रीय शासन, तो हम लोगों को हमारे राजा की बात ही मानी जाती, राजा हमारे लिए सर्वोपरि थे, उसी तरीके से यहाँ शिक्षक सर्वोपरि थे, हमें किसकी बात माननी पड़ती है, विद्यार्थी को शिक्षक की बात माननी पड़ती है। अब आता है हमारा दूसरा लोकतंत्र शासन। अब लोकतंत्र में हम कहें तो इस व्यवसाय में जो हमारा ये व्यवस्था व्यवसाय नहीं बच्चों व्यवस्था, यह जो हमारी व्यवस्था होती है इसके अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध कैसे होते हैं, बहुत ही मानवीय आधार पर होते हैं। यानी कि हमने देखा है कि आज की हमारी शासन प्रणाली भी कैसी है, लोकतंत्र प्रणाली। तो जिस तरीके से मतदाता का अधिकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन गया है, राजा को चुनने के लिए जनता कितनी महत्वपूर्ण है, यानी कि दोनों को मिलकर हमारे देश के लिए कार्य करना है, तो उसी तरह से शिक्षण प्रक्रिया को हमें आगे बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारी आज की शिक्षा है, यानी कि दोनों का एक मानवीय आधार होता है। शिक्षा शिक्षक शिक्षार्थी की आवश्यकता को देखते हुए उसे शिक्षण का शिक्षण प्रदान करते हैं और शिक्षार्थी अपने जो अपनी आवश्यकता होती है उसके आधार पर शिक्षक से वो अपनी जो ज्ञान होता है उसको वो
संविधान लचीला है, उसी तरह से हमने देखा है कि हमारा पाठ्यक्रम भी लचीला होता है, यानी कि हम हमारे समय, क्षेत्र और आवश्यकता के अनुसार हम उसके अंदर परिवर्तन करते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, लचीली। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो मित्र के रूप में जो कार्य करते हैं, जो छात्र हमारे अधिकतम सक्रिय होने लगते हैं, हम उनको क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि जो जितना अच्छा कार्य करते हैं उनका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि कौन कौन ऐसे कार्य है जो हमें हमारे शिक्षण व्यवस्था को और आगे ले जाना चाहते हैं, जो हमारे किसी भी तरीके से हस्तक्षेप पैदा नहीं करते, यानी हस्तक्षेप रहित जो कोई भी हमारे शिक्षण व्यवस्था में हमारी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। कई बार हो सकता है कि शिक्षार्थी का जो मित्र है वो ही उसके लिए उस समस्या का निजात कर दे, या हम कहें कि शिक्षक के साथ दूसरे शिक्षक भी उस समस्या को निजात कर सकते हैं। तो इसमें जो तीसरा चरण आता है वो यही आता है, जो शिक्षण की समस्याओं को दूर करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें चर से संबंधित तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हमारी जो नेट का एग्जाम आता है उसके अंदर बच्चों एक क्वेश्चन चर से संबंधित आपका जरूर से जरूर आएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, विशेषताएं तो आपकी अनिवार्य है ही, साथ में उसमें प्रत्येक जो होता है उसमें चर से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यही चर आपके सेकंड पार्ट में भी, एक शोध में भी है, जिस